कोरोना महामारी के कारण पूरा देश लॉकडाउन हुआ, लोग घरों में रहने के लिए मजबूर हो गया। मेरा गांव जिला चतरा है, देश के साथ यह जिला भी अक्टूबर 2018 में पूर्ण ODF घोषित है, अर्थात कोई भी खुले में शौच नहीं जाता है। लेकिन जिला चतरा प्रखंड कन्हा चट्टी ग्राम पंचायत बक्सुमा के सिद्धू गाँव में आज भी 50% लोग खुले में शौच जाने के लिए मजबूर है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। समस्या ये है, बाथरूम नहीं बना है जिसके चलते बाहर जाना पड़ता है शौच के लिए, खास करके लेडीज लोग को दिक्कत है। और अभी बारिश का समय है, बारिश में ज़्यादा, वो भी रात में सांप बिच्छा बहुत तरह का, और अभी अनेक तरह की बीमारियां फैला हुआ है। अभी तो फिलहाल कोरोना वायरस भी, उससे भी ज़्यादा डर है। बाहर जाते हैं शौच करने के लिए, खेत तालाब जंगल की तरफ जाते हैं। तो क्या परेशानी होती है? परेशानियां यह है कि बरसात के समय है, सांप बिच्छा गरज मलक के डर लगता है, और बीमारी फैला हुआ है, कोरोना से भी डर लगता है। शौचालय के लिए आप किनको सूचना दिए? शौचालय के लिए मुखिया और जलसहिया के सूचना दिए हैं, अभी तक बना नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि घर घर में शौचालय बन जाना चाहिए। कोरोना महामारी में एक रिपोर्ट के हिसाब से संक्रमित व्यक्ति के मल में बैठे मक्खी कोरोना वायरस फैला सकता है। संक्रमित व्यक्ति के ठीक होने के बाद भी कई हफ्तों तक कोरोना वायरस उनके मल में मौजूद और जिंदा रहता है। मैंने इस समस्या पर बदलाव लाने के लिए समुदाय के साथ बैठक कर एक आवेदन पत्र तैयार किया और पंचायत के जलसहिया के व्हाट्सएप पर भेजा और फोन पर बात किया, तो उन्होंने कहा कि इस समस्या का समाधान जल्द करने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोगों के पास भी इस समस्या का समाधान करने का कोई तरकीब है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं सरोज कुमार रवानी, झारखंड चतरा से, इंडिया अनहर्ड के लिए।